वेलकम टू जागरण हाईटेक। स्टार्टअप स्टोरीज होती है रोमांचक, स्टार्टअप स्टोरीज होती है चुनौतियों से भरी। कुछ बन जाती है इंस्पिरेशन तो कुछ जाती है बिखर। ऐसी ही कुछ अच्छी कुछ बुरी स्टोरीज आपके लिए ले आए हैं हम इन द ब्रांड न्यू सीरीज हाईटेक स्टार्टअप। आज की स्टोरी में जुड़ चुके हैं मिस्टर जवाद खान, जो टैटपोल के CEO एंड फाउंडर हैं। टैटपोल एक ऐसी कंपनी है जो आपके पुराने पेट्रोल और डीजल गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने में मदद कर सकते हैं। तो क्या है उनका बिजनेस मॉडल और क्यों आपको जानना चाहिए इस कंपनी के बारे में, चलिए सीधा बात करते हैं मिस्टर खान से। देखिए, रेट्रोफिटिंग एक ऐसी चीज है, रेट्रोफिटिंग अगर मैं सही शब्दों में बताऊं तो कोई भी ऐसी चीज जिसको हम रेट्रो जिसमें हम कुछ फिटमेंट कर सकें, जरूरी नहीं गाड़ियों की, हम किसी मशीनरी में चेंज कर रहे हैं, उसके मैकेनिज्म में उसके अंदर कोई हम चेंज ला रहे हैं तो उसको रेट्रोफिट कहते हैं। तो रेट्रोफिटिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के टर्म में एक ऐसा चीज है कि उस गाड़ी को, चाहे वो जिसे IC इंजन है, पेट्रोल या डीजल, उसको उसके फॉर्म से हटा के उसके इलेक्ट्रिक वर्जन में डाल। मतलब मैं आपको वही बता दूंगा कि जो हमारे एक लाइन भी है हमारी कंपनी की, वी आर मेकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विदाउट एडिंग न्यू व्हीकल्स। हम गाड़ियां तो इलेक्ट्रिक बना रहे हैं बट नहीं डाल रहे हैं रोड पे, आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक कर रहे हैं। तो रेट्रोफिटिंग बेसिकली एक ऐसी चीज है कि जो आपकी गाड़ियों को ही एग्जिस्टिंग व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक में चेंज कर देते हैं। और इसमें हमारी USPs है कि हम वही ट्रांसमिशन यूज करते हैं, वही सेम क्लच, वही सेम गियर, वही सब कुछ आपकी गाड़ी बट इलेक्ट्रिक। और उसके अलावा रेट्रोफिटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए रेट्रोफिटिंग का मार्केट या रेट्रोफिटिंग का जो लोगों को बहुत लोगों को पता नहीं है कि रेट्रोफिटिंग एक मार्केट ऐसी और एक ऐसा सोल्यूशन है लोगों के लिए जिसमें आपकी गाड़ी का, जो गाड़ी आपकी कल तक समझ लीजिए 4,000 रुपए का तेल खा रही है महीने पे, एवरेज कॉस्ट बता रहा हूँ, और मेंटेनेंस मांग रही है, वियर एंड टियर प्रॉब्लम हो रहे हैं, सर्विस कभी कुछ, वो सारी चीजें कट होकर आपकी गाड़ी 4,000 को छोड़ के शायद 200 या 300 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी खाना शुरू कर देगी। क्योंकि जो चीजें रेट्रोफिटमेंट में है, उस गाड़ी के अंदर एक नई जान डालना और उसको इलेक्ट्रिक वर्जन में कराना, एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट नहीं करना, उस गाड़ी की लाइफ भी बढ़ेगी, जैसे है दिल्ली गवर्नमेंट का 7 साल लाइफ बढ़ जाती है, उसके बाद चेसिस पे डिपेंड, और उस पर आपको जैसे हमारी कंपनी और बहुत भी कोई कंपनी है, मतलब हमारा अपना बताऊँ 5 साल की वारंटी, मतलब 5 साल तक निश्चिंत है, 3 साल से 5 साल डिपेंड करता है बट बेसिक हमारा 3 साल है, 3 साल की वारंटी पे हम निश्चिंत है, बैटरी में कुछ हो जाए, EV किट में कुछ हो जाए, हम बैटरी आपको सर्विस दे देंगे। जिसके अलावा फ्लीट ऑपरेशंस, टैक्सी जो लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में चलते हैं, जिनका डेली ट्रैवलिंग 200 किलोमीटर 150, वो मेरा मार्केट क्योंकि इतनी माइलेज और इतनी कैपेसिटी हम आराम से इसीलिए प्रोवाइड कर पा रहे हैं। आई विल नॉट से मैं 800 किलोमीटर 500 किलोमीटर की माइलेज देता हूँ, हमारा सोल्यूशन 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक जाता है, जिसमें से 150 किलोमीटर तो मोस्ट इकोनॉमिक हमारा सोल्यूशन है। तो हमारा सबसे बड़ा मार्केट मैं बात करूँ तो मेरा हमेशा फ्लीट ऑपरेशंस, मेरा लॉजिस्टिक, चेतक की बात करें, टाटा एस की बात करें, अशोक लेलैंड दो जो हमने किया गया की, वो मेरा मार्केट है। और इसके अलावा मैं प्रीमियम लग्जरी कार्स और विंटेज कार को, ये मेरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, क्योंकि विंटेज हर कोई नहीं इलेक्ट्रिक कराना चाहता है, दे आर मोर कंसर्न अबाउट कि इसकी ओरिजिनलिटी चली जाएगी, बट हमारा सोल्यूशन उसमें भी ऐसा है कि जब आपका मन करे आप इंजन वापस डाल सकते हैं। अब यूरोप की बात कर लीजिए, US की बात कर लीजिए, इंग्लैंड की बात कर लीजिए, वहाँ पे विंटेज का उसका इलेक्ट्रिक किया जा रहा है, एंड सीरियसली आप चेक करेंगे उनसे अच्छी तो हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे हम दे रहे हैं। टैटपोल प्रोजेक्ट्स जो है ये एक सोल्यूशन बना रहे, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, ये एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि टैटपोल प्रोजेक्ट्स बेसिकली सोल्यूशन टू दोज कि वी आर मेकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विदाउट एडिंग न्यू व्हीकल्स। हम स्क्रैपेज पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं, हम पोल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं, हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, और समहाउ मैं कहता हूँ अगर पॉइंटों में भी हमारा इफेक्ट पड़ता है गवर्नमेंट वाला एक पॉल्यूशन सेक्टर में, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। हाय एवरीवन, माय नेम इज जवाद खान एंड आई एम जस्ट 23 इयर्स ओल्ड एंड अबाउट सो ऑल आर द यंग एंटरप्रेन्योर्स हियर। And I have done my graduation अपनी मैंने electrical engineering में की थी, और इसके बाद it was just a formal introduction. I never choose this company chose me, and इसकी कहानी बहुत ही अच्छी है, और थोड़ी मैं वो नहीं कहूँगा कि मेरे अंदर
क्रांति करने का एक आया, मैं अब दुनिया को बदलूंगा, मैं ये करूंगा, इट वॉज टोटली अनचेंज्ड. यू कैन सी माई लोगो, इट्स ऑरेंज, इज नॉट हैविंग एनी ग्रीन कलर, सो आई एम नॉट लाइक टू ग्रीन कलर. और टाइपफुल प्रोजेक्ट बेसिकली स्टार्ट हुआ था एक वेरी ऑनेस्ट स्टोरी सर, एक जीएसटी बिल के, और उसके बाद इसने कैसे एक शेप लेना शुरू कर दिया. आई थिंक बहुत ही अच्छा नाम इसका टैडपोल बच्चा जो हम कहते हैं, और तेज बहुत चलता है जो फ्रॉग का वो बेबी जो होता है, बट हाथ किसी के नहीं आता. तो वही चीज की शुरुआत हुई और कैसे कैसे ग्रो किया. अभी 1.5 साल हमें हुआ है, 2 साल होने वाले हैं, तो 2 साल में इसने जितना ग्रो किया, और उसमें तो लॉकडाउन का बहुत अच्छा खासा पीरियड था, बट जो इसने चीजें की और हमने जो इसको स्टार्ट किया था सर, इसमें थोड़ा सा किस्मत का खेल भी समझूंगा कि वो जब कड़ियां जुड़नी होती हैं, तो वो शुरू हुई थी. मैंने अकेले में शुरू किया था, मेरी इंटेंशन जीएसटी बिल बनाने की थी, बट इसके साथ जो हमारी टीम जुड़ी, मेरे साथ दो मेरे और को फाउंडर हैं, एक केरला से एक दिल्ली से हैं, उन्होंने इसको ऐसे ग्रो किया. और हमारी बाकी टीम इसमें ऑफिस में जो हमारे आते हैं, हमारी बाकी टीम जिसमें कुछ बैंगलोर में है और कुछ दिल्ली में ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें से हमारे कुशाग्र हैं जो इसको पूरा मैनेज कर रहे हैं, और उसके अलावा हमारी बाकी टीम टेक्निकल हैं. और हमारे अब जो हमने स्टार्ट किया था विंटेज कार से, लेकिन बाद में हमने प्रीमियम कार इंडिया की फर्स्ट कार की मर्सिडीज, उसके बाद लॉजिस्टिक, और हम हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं. तो शुरू किया था छोटा ही, बट करते करते का बड़ा बन रहा है, और अब हम स्केलेबिलिटी के ऊपर आ रहे हैं, और अपना R&D हमने थोड़ा अच्छा ही कर लिया है. तो सारी चीज़ों को कंपाइल करके और हमेशा इनोवेशन करते रहेंगे, और वैसे इसको अभी स्केल कर रहे हैं कि ताकि ये चीज़ लोगों के ऊपर भी एक इफेक्ट डाले. और अगर मैं एवरेज बात करूँ एज की, इस टीम में देखिए सबसे छोटा तो मैं हूँ इसमें, आई एम जस्ट 23, और रेस्ट ऑफ द टीम इज अराउंड 30-28, बस इससे ज़्यादा कोई बड़ा नहीं. सर 23-30 वालों ने अपनी लाइफ एक करियर लगा के रखे हैं, मेरे मुझे लगता है कि उनके जीरो की कीमत यहाँ पे कुछ नहीं, वो मेरे सपने में यकीन रखते हैं. मुझे लगता है सबसे बड़ा जीरो मेरे लिए वही है, वो जीरोस वही हैं. लॉकडाउन में कंपनी शुरू हुई, कहते हैं लॉकडाउन ने बहुतों के स्टार्टअप को डुबाया, मैं कहता हूँ हमारा स्टार्टअप जो लॉकडाउन में निकला, क्योंकि लॉकडाउन में शुरू हुआ है 2020, ये उसमें शुरू हुआ है, सेकेंड स्टार्ट हुआ था, नहीं फर्स्ट अभी एंड हो रहा था, तो उसमें स्टार्ट हुआ है. और सबसे बड़ी USPs में अगर बात करूँ, तो सबसे पहले हमें इंडिया के फर्स्ट विंटेज कार का टाइटल मिला जो हमने तैयार की, जो कि बीटल थी और IIT दिल्ली में खड़ी है, वो हमारी सबसे बड़ी USP थी. और उसके बाद जो मुझे सबसे बड़ी USP लगी, दैट इज की रेट्रोफिटिंग ऑफ मर्सिडीज टू इलेक्ट्रिक, वो भी उसके ट्रांसमिशन में, दैट इज प्रीमियम कार टू इलेक्ट्रिक, वो हमारी सबसे बड़ी USP अभी तक की है, कि जिसपे हम जिसको हमने इलेक्ट्रिक करके सक्सेसफुली चलाया. और इट 6 months टू अस उसके पूरे डेटा को समझना, उसको करना, उसके भी काम अभी चल ही रहा है और उसको और अच्छा बना रहे हैं. और इसके बाद की USP करूँ तो अभी हम हैवी ड्यूटी 30-ton ट्रेन के ऊपर काम कर रहे हैं, और उस वो भी दैट विल बी द इंडियाज फर्स्ट हैवी ड्यूटी व्हीकल जो इलेक्ट्रिक होगी, तो उसका भी हम R&D उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और वो भी शायद अगस्त तक वो भी रेडी हो जाए. तो USPs की अगर बात करूँ तो हमने रेट्रोफिटिंग के हर सेगमेंट में नंबर 1 का टाइटल ले लिया, और बाकी चीज़ों में भी हम बैटरीज की बात करें वो हम खुद तैयार कर रहे हैं. और बाकी USP सबसे बड़ी है कि जो भी काम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो हमेशा इंडियन मार्केट के हिसाब से सोच के बना रहे हैं. 18वीं सदी में इलेक्ट्रिक कार बनी थी, और आप एक बार थोड़ा गूगल कर लेंगे तो बहुत पुराने इलेक्ट्रिक कार्स भी दिखेंगे. तो उस टाइम क्या था, देखिए हमेशा बात आती है कन्विक्शन के ऊपर. अभी भी पेट्रोल 40 रुपये लीटर कर दीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कोई छुएगा नहीं. पॉल्यूशन को डाउन कर दीजिए, कहिए कि भाई गाड़ियों से तो ऑक्सीजन निकल रही है, कोई मतलब न्यूज में चला दीजिए कि कोई पॉल्यूशन नहीं है, बहुत अच्छा आसमान हो गया, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खत्म है. तो सबसे पहले मुझे लगता है कि चेंज ये हर एक टाइम, हर एक सेंचुरी, हर एक सदी के बाद आना शुरुआत है. जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्टार्टिंग में बनी थी, तब उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कोई उसका उस टाइम पे वो था नहीं, रोल नहीं था. तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी के हिसाब से बहुत अच्छा सोल्यूशन है. अगर हम पेट्रोल की प्राइसेस की बात करें कि अब जो 125 जाने वाला है, ये भी बहुत बढ़ रहा है. पेट्रोल को छोड़ दीजिए, पॉल्यूशन की बात कीजिए, हर बार दिल्ली में क्या हो रहा है, नॉर्मल दिवाली का टाइम आता है, पीक और पूरा ब्लैंकेट भर जाता है.